Hey guys, welcome to my channel. तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप बहुत इजी एंड सिंपल तरीके से अपने थाइस फैट को कम कर सकते हो. थाइस के साथ साथ अपने लोअर बेली फैट्स भी कम होते हैं एंड ऐसे कुछ एक्सरसाइज आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिस वर्कआउट्स को करके मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था एंड या सबको मिलता है. दीज वर्कआउट्स आर स्पेशली मेड फॉर थाइस एंड लेग्स, योर लोअर बॉडी. एंड अगर आप इस वर्कआउट्स को डेली फॉलो करोगे एंड बहुत सारे रेप्स के साथ, पहले पहले तो ये करना बहुत मुश्किल है, तो यू जस्ट हैव टू मूव योरसेल्फ फर्स्ट. तो पहले आप मूव करना शुरू करो गाइज एंड देन आपको वर्कआउट की हैबिट्स आ जाएगी. तो और एक बात है, आई डोंट बिलीव इन स्पॉट रिडक्शन. मतलब ऐसा कोई वर्कआउट नहीं होता है जिससे कि आप, अगर आप कोर की वर्कआउट करते हो तो आपकी लोअर वैली फैट्स जल्दी से कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है. फैट्स कम करनी हो तो पूरी बॉडी से कम करना होता है, जस्ट लाइक दैट. एंड धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी से फैट की परसेंटेज कम होने लगेगी एंड धीरे धीरे हर जगह से फैट आप लूज करना शुरू कर दोगे. तो उसके लिए आपको फुल बॉडी ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है. एंड अगर आप स्प्लिट ट्रेनिंग करते हो, मतलब इफ यू ट्रेन योर सेल्फ फॉर 5 days, देन कोशिश कीजिए कि 2 दिन आप हफ्ते में अपर बॉडी को ट्रेन करें, 2 दिन लोअर बॉडी को ट्रेन करें एंड मिडिल में 1 day आप अपने मिड सेक्शन के लिए रखिए. यू नो वट, जब मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हुआ करती थी तो मुझे भी कभी कभी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता था. पसंदीदा कपड़े पहनने जाती थी तो मेरे थाइज एंड हिप्स भी बहुत ज्यादा ओवरवेट एंड बल्की दिखता था. तो दैट्स वाई मुझे भी कभी कभी बहुत ज्यादा ऑड लगता था एंड आई डिडंट लाइक दैट थिंग. एंड व्हेन यू डोंट लाइक समथिंग, तो आप उसे हटाने के लिए और घटाने के लिए कुछ तो जरूर करते होंगे, राइट? चाहे वो बॉडी की फैट हो या फिर अपने लाइफ की कोई बात हो या चीज हो, कुछ भी हो, तो हम उसके लिए कोई ना कोई स्टेप जरूर अपनाते हैं. तो बस ऐसे ही एक माइंडसेट कर लीजिए एंड उसके साथ एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए. एंड तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल, बहुत इजी 3 workouts जिसके दौरान आपके लोअर बॉडी को एक अच्छी बूस्ट मिलेगी. एंड अगर आप इसे रेगुलर बेसिस में फॉलो करना शुरू करोगे तो आपकी थाइस एंड हिप्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल शेप में आ जाएगी, जिसे हम बहुत पसंद करते हैं लड़कियां स्पेशली. सो या, एंड जिसके थाइस एंड हिप्स बहुत ज्यादा बल्क भी नहीं है तो वो भी ये वर्कआउट जरूर कर सकते हैं. इससे क्या होता है, इन वर्कआउट्स को करने से हमारी थाइस एंड हिप्स जो है वो उसमें मसल गेन होना शुरू होता है एंड ये एक प्रॉपर शेप में आ जाती है. यू नो, बहुत ज्यादा पतला हो तो भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता है तो, एंड बहुत ज्यादा बल्क हो तो भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता है. तो हमें एक प्रॉपर शेप लाने के लिए हमें वर्कआउट्स करना बहुत जरूरी है एंड फुल बॉडी ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो मैं फुल बॉडी ट्रेनिंग भी आप लोगों के साथ एक दिन जरूर शेयर करूंगी, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा. तो आज मैं आप लोगों के लिए शेयर करने वाली हूँ 3 बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी वर्कआउट्स को करने से आपके थाइस, लेग्स एंड लोअर बेली धीरे धीरे एक शेप में आना शुरू हो जाएगी. देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती कि ये वर्कआउट्स अगर आप 7 दिन फॉलो करोगे तो उससे आपकी थाइज एंड हिप्स मेरी जैसा बन जाएगा. तो नो, आई जस्ट कांट से दैट, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता है गाइज. आप सालों से अगर वर्कआउट करते हो तब जाके आपको एक प्रॉपर शेप देखने को मिलता है. तो दिस इज हाउ इट हैपन्स. तो ऐसा ही होता है एंड तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वर्कआउट्स. तो हमारा पहला वर्कआउट है स्क्वाट. तो स्क्वाट करना हम सभी को आता है. हम लोगों ने वर्कआउट के नाम सुनते ही जिसका नाम पहले आता है बॉडी ट्रेनिंग में वो है स्क्वाट. और ये एक तरह की फुल बॉडी वेट ट्रेनिंग है. तो सिर्फ लेग्स की नहीं, इस वर्कआउट को करने से आपकी पूरी शरीर को एक बूस्ट मिलता है एंड पूरी शरीर का जो है काम बन जाता है. तो या दैट इज स्क्वाट. एंड स्क्वाट करने की कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है, अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करोगे
तो आप प्रॉपरली स्क्वाट नहीं कर सकते एंड देन आपको रिजल्ट भी प्रॉपर नहीं मिलने वाला है। सो या मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप प्रॉपरली स्क्वाट करोगे। तो पहले हम शुरू करेंगे ऐसे, अपने दोनों पैर को स्प्रेड कीजिए एंड देन आपको ऐसे अपने कोर को अंदर से खींचना है एंड बट को भी अंदर से खींचना है, इसे लूज मत छोड़िए। एंड देन आपको ऐसे करके अपने बैक को स्ट्रेट रखना है, ऐसे झुकना नहीं है हमें, जस्ट लाइक दैट। एंड हमेशा ख्याल रखिए कि आपके जो घुटने हैं, नीज, आपके टोज से आगे नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ही एक स्ट्रिक्ट रूल है स्क्वाट करने की। एंड आपकी बैक जो है ऐसे बेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इफ यू कैन सी मी, दिस इज हाउ यू हैव टू डू स्क्वाट्स। अपने पैर को स्प्रेड कीजिए एंड देन धीरे धीरे नीचे जाइए। एंड नीचे जाते वक्त ये ख्याल रखिए कि आपके जो घुटने हैं वो आपके टोस से आगे नहीं जाना चाहिए। एंड देन अप, डाउन, अप। एंड जब आप नीचे जा रहे हो तो सांस को अंदर लीजिए एंड देन यू हैव टू ब्रीद आउट। व्हेन आप उठ रहे हो तब आपको सांस छोड़नी है एंड व्हेन आप नीचे जा रहे हो तो आपको सांस लेनी है। तो यही है, तो मुझे फॉलो कीजिए एंड मेरे साथ करते रहिए। एंड आपको स्क्वाट की कम से कम 4 सेट्स तो लगाने ही है एंड उसके 30 to 40 reps आप जरूर करें अगर आप कोई रिजल्ट्स दिखना चाहते हो तो, क्योंकि इससे कम करके आपको कुछ ज्यादा असर नहीं दिखने वाला है। एंड थोड़ा स्ट्रेस डालोगे, थोड़ा कोशिश करोगे तो रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है गाइस। सो या समझ में आ गया होगा। तो यही है स्क्वाट्स एंड स्क्वाट इज मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइज। सो इसे जरूर अपने वर्कआउट स्केड्यूल में शामिल कर लीजिए। एंड देन हमारी नेक्स्ट वर्कआउट है स्क्वाट ही है एक तरह की, जिसे हम जंप स्क्वाट कहते हैं। तो हमें पहले जंप करना है एंड देन स्क्वाट पोजीशन में आना है एंड ग्राउंड को टच करना है। मैं आपको दिखाने वाली हूं एंड ये वर्कआउट करने से आपके जो थाइज, हिप्स एंड लोअर बेली का फैट है उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसे भी आप कोशिश करें 4 सेट्स करना एंड उसके 30 to 40 reps आप जरूर लगाए। मतलब 1 सेट में आपको 30 to 40 reps जरूर करनी है, ऐसे करके आपको 4 सेट्स लगाने हैं। ओके, तो पहले हमें इसके लिए ऐसे जंप करना है एंड देन ग्राउंड को टच करके देन ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। पहली बार है तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कीजिए एंड देन थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं।
अच्छा वर्कआउट है अपने थाइस एंड हिप्स के लिए, लोअर बेली के लिए। एंड देन मैं आपको दिखाने वाली हूँ और एक जबरदस्त वर्कआउट हिप्स एंड थाइस फैट को घटाने के लिए, विच इज हॉल स्क्वाट। दैट मीन्स आपको स्क्वाट ही करना है। देखिए मैं जो भी तीन वर्कआउट है सबके सब स्क्वाट के ऊपर बेस करके हैं। तो या स्क्वाट इज एवरीथिंग गाइस। इफ यू वांट स्ट्रांग लेग्स, स्ट्रांग थाइस एंड प्रॉपरली शेप्ड बॉडी, देन यू हैव टू परफॉर्म स्क्वाट्स। ओके, तो थर्ड वर्कआउट है पल्स स्क्वाट। दैट मीन्स आपको स्क्वाट ही करना है, बहुत सिंपल है, बट उसके बीच बीच में आपको दो पल्स लगाने हैं। पल्स मतलब आपको पूरा उठना नहीं है, जैसे कि हम करते हैं सिंगल स्क्वाट में ऐसा, तो ये भी हम करेंगे। उसके बीच बीच में एक हम पूरा स्क्वाट लगाएंगे एंड उसके बीच में हम दो पल्स लगाएंगे ऐसे करके। बस इतना ही है। तो आपको पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके आपको ये सेट पूरा करना है। एंड जब आप होल्ड करते हो एंड पूरा स्ट्रेच नहीं करते हो ना, तो टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जिस बॉडी पार्ट पर आप काम कर रहे हो उस पार्ट पर टेंशन और भी ज्यादा क्रिएट होता है एंड और भी जल्दी जो फैट्स है वो मेल्ट होना शुरू होता है। तो हमें ऐसे वर्कआउट्स चूज करनी है जिसे करके हमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस लगे। एंड अगर आप वर्कआउट करने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो रहे हो एंड आपके सांस फूल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्वेट्स हो रहे हैं आपको, तो मतलब इट्स वर्किंग ऑन यू। तो आपको ऐसे वर्कआउट चूज करने हैं, ना कि ऐसे वर्कआउट जिसे करने से आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप वर्कआउट कर भी रहे हो या नहीं। तो या तो चलिए शुरू करते हैं हमारे थर्ड वर्कआउट। अच्छे से समझ गए होंगे कि ये सारी वर्कआउट्स कैसे कैसे करना है आपको। एंड हर एक वर्कआउट को आपको रिपीट करना है 30-40 टाइम्स इन अ सेट। एंड ऐसे करके आप 3-4 सेट्स इन वर्कआउट्स के जरूर लगाए। जब भी आप लेग वर्कआउट्स कर रहे हो तो उन वर्कआउट्स में ये भी शामिल कर लीजिए, ताकि आपके हिप्स, थाइस एंड लोअर बेली फैट पर ज्यादा असर पड़े। तो या आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल देन प्लीज गिव इट अ लाइक, ऑल्सो शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। क्योंकि मैं हर एक हफ्ते में 3-4 बार वर्कआउट वीडियोज डालती हूँ एंड वन फैशन वीडियो एंड मेनी मोर शॉर्ट्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।